चलिए करते हैं स्टार्ट। करना बिल्डिंग एस्टिमेशन एंड कोस्टिंग, ठीक है। आज अपने बिल्डिंग एस्टिमेशन एंड कोस्टिंग के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर नहीं जाऊंगा, सिर्फ इंट्रोडक्शन के बारे में ही मैं बात करूंगा कि बिल्डिंग एस्टिमेशन एंड कोस्टिंग की आप लोगों को नीड क्या है। कोर्स बिल्कुल यस सर। प्रैक्टिकल है, तो जो भी जो डिस्कशन है वो अपन करते चले जाएंगे, और डिस्कशन करोगे तो आपको जो कोर्स करने का जो रीज़न है वो मेरे को समझ में आएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो बिल्डिंग एस्टिमेशन एंड कोस्टिंग अपने को करना क्यों है? हम बताएं सर, हाँ हमें बताने। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग कोर्स कर रहे हो तो बिल्डिंग एस्टिमेशन एंड कोस्टिंग आपको करना क्यों है? बिकॉज जब भी हम कोई भी प्रोजेक्ट उठाते हैं किसी भी टाइप का, है ना, भले वो बिल्डिंग बनाने से लेके हो या फिर रियल लाइफ में कोई भी चीज हो, तो सबसे पहले हमें एक एस्टिमेशन होना चाहिए कि हम किस, एक आइडिया भी होना चाहिए किस तरीके से करने वाले हैं, कितना हम अपना इनपुट देने वाले हैं, अबाउट अमाउंट भी, टाइम भी, तो वो सारी चीजें एक तरीके से प्री प्लान करके एक एस्टिमेशन बिठा के कि इतना टाइम लगेगा, इतना पैसा। ये बहुत अच्छा आपने बताया कि कोई भी लाइफ का इवेंट हो हम हर चीज़ का पहले प्रोग्राम करते हैं कि उसमें कितना खर्चा आने वाला है। आप अपना बर्थडे भी प्लान करोगे तो उसमें आप एक अनुमान लगाओगे कि जैसे मान लो 10,000 का खर्चा आने वाला है टोटल, ठीक है। बट कुछ क्या होते हैं, छोटे इवेंट्स होते हैं और कुछ बड़े इवेंट्स होते हैं। छोटे इवेंट्स में क्या होता है कि अगर छोटा मोटा खर्चा आया, ठीक है, जैसे बर्थडे का आपने 10,000 एस्टिमेट निकाला और 10,000 से 500 रुपये ऊपर नीचे हो गया, 700 रुपये ऊपर नीचे, 1,000 रुपये भी ऊपर नीचे हो गया, तो कोई बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कुछ ऐसे बड़े इवेंट्स होते हैं, है ना, जैसे मैरिज का इवेंट हो गया, मैरिज में आपको पता ही नहीं चलता लास्ट में कितना पैसा लग गया है। ऐसे ही कंस्ट्रक्शन का ये पार्ट है, आपको पता ही नहीं चल रहा कि लास्ट में कितना पैसा लग गया है, ठीक है। तो एक एक चीज का, एक एक आइटम का पूरा कैलकुलेशन अपने को करना है, ठीक है, तो उससे आपको पूरा आइडिया लग जाएगा। बट अब आप लोग ये भी कह सकते हो कि मैं एक रफ एस्टिमेट भी तो निकाल सकता हूँ, मैं एक एक आइटम का निकाल के पूरा एकदम एग्जैक्ट ही एस्टिमेशन क्यों निकालूं। अपने वैसे जो है, कोई क्लाइंट अगर आपसे पूछ रहा है कि मेरे बिल्डिंग जो है वो कितने में बन जाएगा, 100 स्क्वायर फुट अगर मेरा जगह है, ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं आपको लेके भी बताऊंगा कि उसको, क्योंकि उसके पास जो बजट है वो हो सकता है काम जो है एक स्टेप में पूरा नहीं करवा रहे, अभी उसका जो बजट है उसमें आधा ही काम हो, आधा काम उसको बाद में करवाना हो, ठीक है, तो उसका आइडिया, उसका उसका आइडिया क्लाइंट को आप कैसे दे सकते हो? जिसके पीछे से आवाज आ रही है, एक और माइक म्यूट कर लो। आज का बिल्डिंग एस्टिमेशन एंड कोस्टिंग जो है वो सिविल इंजीनियरिंग के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से, या मैं बिल्डिंग प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है, ठीक है। और इसको अगर आपने कर लिया ना, आप पूरे प्रोजेक्ट का 50% पार्ट समझ जाओगे कि प्रोजेक्ट के अंदर होता क्या है। इसीलिए मैंने आपको बोला कि इसके लिए मेरे को कम से कम 20 से 25 क्लासेस चाहिए होगी, या उससे ज़्यादा भी, ठीक है। वो इसीलिए कि इसके अंदर एक एक छोटे से छोटे चीज़ का मैं आपको बताऊंगा कि अपने कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो अब अपने को किसी भी बिल्डिंग का जो एस्टिमेशन कॉस्टिंग का एक रफ आइडिया भी अपन निकाल सकते हैं कि भाई इतना 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 इसमें लगेगा। फिर अपन एक एक आइटम का लेके पूरा जो कैलकुलेशन है वो एकदम एग्जैक्ट क्यों निकालना है अपने को, उसका क्या रीजन है? किसी के पास थोड़ा बहुत आइडिया है भाई? एस्टिमेशन की पूरी रिपोर्ट जो है, मेजरमेंट बुक जो बनेगी, मेजरमेंट शीट जो बनेगी, वो अपने को एकदम एग्जैक्ट क्यों बनानी है? ताकि हमें ये पता रहे कि कितना अमाउंट किस जगह जा रहा है एक तो, और किस मटेरियल पे कितना जा रहा है, और आई थिंक उसी उसी भी हाफ पे हम अगर कहीं से। मैं इसका भी मैं आपको रफ आइडिया दे दूंगा कि सीमेंट के अंदर आपका कितना लगने वाला है, सैंड के अंदर आपका कितना लगने वाला है, और कोई जो है मटेरियल उनके अंदर आपका कितना लगने वाला है, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कितना लगने वाला है, प्लम्बिंग से रिलेटेड कितना लगने वाला है, उसका सब मैं आज वाली क्लास के अंदर ही एंडिंग में एक रफ आइडिया मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। बट फिर भी आपको एग्जैक्ट मेजरमेंट शीट के अंदर एग्जैक्ट डाटा को क्यों कैलकुलेट करना होता है, उसका रीजन ये है कि आप अगर गवर्नमेंट का कोई भी प्रोजेक्ट लेते हो, है ना, जिसको आप टेंडर बोल सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हैं अपने, है ना, टेंडर या कॉन्ट्रैक्ट ये टर्म सुना है, तो गवर्नमेंट को आप वो प्रोजेक्ट कितने में करके दोगे, ठीक है, तो आपको पूरा एक वो बना के देना होता है।
कोई भी स्टेक होल्डर्स है तो उसको आपको पहले ये बताना होगा कि आपको बिल्डिंग जो है उसका जो कंस्ट्रक्शन है पूरा प्रोजेक्ट कितने में खत्म कर दोगे, कितने टाइम पीरियड में खत्म कर दोगे, पूरा एक प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट होगा उसका, ठीक है। तो उसके लिए आपको बिल्डिंग, हाँ क्योंकि अगर आप कह रहे हो कि प्रोजेक्ट जो है मैं पूरा कंप्लीट जो है 20 करोड़ के अंदर करूंगा, और गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से CPWD के जो नियम है उसके हिसाब से जो रेट्स है जो उन्होंने कैलकुलेट सारा किया उसके हिसाब से आ रहा है कि भाई ये प्रोजेक्ट तो हो जाना चाहिए 18 करोड़ के अंदर ही, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है, एक सेकेंड, हाँ ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि कोई छोटा इवेंट होता है तो उसमें छोटा थोड़ा बहुत अप एंड डाउन है तो चलता है, बट बिल्डिंग्स के अंदर है कोई बड़ा जब आप कोई प्रोजेक्ट उठा रहे हो तो उनमें अगर आप थोड़ा सा भी कैलकुलेशन गड़बड़ कर दोगे तो हजारों का लाखों का डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ये चीज समझ में आ गई कि अपने को एस्टिमेशन जो है एक एक क्वांटिटी का एक एक आइटम का कैलकुलेट करना क्यों है, ये चीज आ गई थोड़ी सी समझ में। अब मैं चलता हूँ आगे कि एस्टिमेशन को मैं पहले, आज जो इंट्रोडक्शन क्लास है उसमें मैं पहले पूरा समराइज कर दूंगा कि एग्जैक्टली इस आगे की जो 20-25 क्लासेस है इसके अंदर एग्जैक्टली होने क्या वाला है वो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके लिए कुछ मैंने हैंड रिटन नोट्स जो है वो रेडी किए हैं। इससे पहले आपको अगर बिल्डिंग एस्टिमेशन कॉस्टिंग से रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन आ रहा है तो वो बता दूं, जितना हो सकता है मैंने आपको क्लियर करने की कोशिश की है कि इसमें जो चीज है। इसके अलावा इसके अंदर अपन ये जो सारा जो भी काम करेंगे मेजरमेंट शीट वाला वो एक्सेल के अंदर करेंगे, ठीक है। तो एक्सेल के अंदर किस तरह से फॉर्मूला बनाएंगे, कैसे उसको काम में लेंगे, वो सारा सब कुछ मैं सिखाऊंगा, ठीक है। और उसके अलावा बिल्डिंग एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग से रिलेटेड और कोई क्वेश्चन है तो बताओ आप। नहीं सर अभी तो नहीं स्टार्ट, ठीक है चलो आगे चलते हैं, ठीक है। एस्टिमेशन कॉस्टिंग का एक बहुत बेसिक सा फॉर्मूला मैंने लिख रखा है यहाँ पे, देखो कि आपके जो भी आइटम्स हैं, ठीक है, उनको करंट रेट से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब आइटम्स क्या क्या हो सकते हैं, जो भी आपके आइटम्स हैं, ठीक है, बिल्डिंग के अंदर जितने भी आपके कंपोनेंट्स हैं उनको करंट रेट्स, करंट्स जो भी CPWD की रेट्स है, अपने जो करेंगे एस्टिमेशन को आगे पूरा वो CPWD की रेट्स के अकॉर्डिंग ही करेंगे, ठीक है। अब ये जो करंट रेट्स है इनको आपको जहाँ पे भी सर्च करोगे तो ये आपको SOR के नाम से मिलेंगे या BSR के नाम से मिलेंगे, SSR, इस ये दो तीन तरह के आपको टर्म्स वहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। मोस्ट कॉमनली जो चलता है वो चलता है BSR चलता है, BSR मीन्स बेसिक शेड्यूल्स ऑफ रेट्स, और SOR शेड्यूल्स ऑफ रेट, SSR स्टैंडर्ड शेड्यूल्स ऑफ रेट, सारे मतलब एक ही बात है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने इसलिए लिखी है ताकि आपको कहीं पे भी कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहे, ठीक है। नॉर्मली आप बुक में जो फॉर्मूला पढ़ते हो उसमें बहुत छोटा सा फॉर्मूला लिखा होता है, उसमें ये सब चीज़ें नहीं लिखी हुई थी, SOR, BSR, SSR, बट साइट पे जब भी आप डिस्कशन करते हो तो आप इस तरह के टर्म्स सुनते हो तो आपको एकदम क्लियर हो जाए कि ना सामने वाला क्या कहना चाह रहा है। तो SOR बोले, BSR बोले, SSR बोले, सबका मतलब यही है कि वो जो है रेट्स की बात कर रहा है, ठीक है। करंट रेट्स जो है उससे अपने को मल्टीप्लाई करना है। अब आइटम्स जो हैं उनको करंट रेट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। वो जो अमाउंट आएगा वो रेट्स के अंदर आएगा, ठीक है। उसी को अपने फाइनल जो अपने को चाहिए होता है, व्हाट इज बिल ऑफ क्वांटिटी, प्रोजेक्ट जो है पूरा कितने में मेरा फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो इस एस्टिमेशन के प्रोजेक्ट को अपन पूरा जीरो से करेंगे। आपके दिमाग अगर पहले से कुछ भी है तो एक बार के लिए साइड में रख देना, अगर फिर भी आपको लग रहा है तो एंड में जो है क्वेश्चन जरूर पूछो आप, पहले से जो भी दिमाग में एक बार साइड में रख दो। ऐसे समझो बिल्कुल जीरो से अपन इस चीज को कर रहे हैं, ठीक है। एकदम मान लो बिल्डिंग का जो फाउंडेशन वाला पार्ट है वहां से लेके और एकदम एंड तक फ्लोरिंग फिनिशिंग सब कुछ पूरा करके क्या क्या खर्चा होने वाला है, टोटल बिल ऑफ क्वांटिटी कितना बनेगा, BOQ जो अपने को निकालना है वो इस फॉर्मूले से, ठीक है। तो फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है कि जो भी आपके आइटम्स हैं उनको आप करंट रेट से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका BOQ आ जाएगा। इस फॉर्मूले में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। अब आपके जो आइटम्स है इसमें देखो मैंने नीचे लिख रखा है इसकी क्वांटिटी जो है वो ड्राइंग से आएगी। ड्राइंग से कैसे आएगी, जैसे मैं एग्जांपल के लिए लेता हूँ कि
आपके ड्राइंग्स में कितने कॉलम्स हैं, है ना, तो कॉलम की कितनी क्वांटिटी है, 8 कॉलम है, 10 कॉलम है, 12 कॉलम है, 20 कॉलम है, तो वो आपको ड्राइंग देख के पता चलेगा, है ना, फुटिंग्स कितनी है, तो वो ड्राइंग्स देख के पता चलेगा आपको, ठीक है। और उसके अलावा बीम्स है, स्लैब्स है, सब कुछ आपको ड्राइंग के अंदर देख के ही पता चलेगा, तो क्वांटिटी जो है वो ड्राइंग को देखने के बाद निकलेगी। तो एक बिल्डिंग को बनाने के लिए क्या क्या आइटम्स चाहिए होते हैं, ठीक है, इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा, और आपके अकॉर्डिंग आइटम्स जो हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। बिल्कुल, एक सर प्रैक्टिकल, अगर हाँ प्रैक्टिकल अप्रोच से बात करोगे, जैसे आपको अपना घर बनाना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको एकदम फर्स्ट स्टेप से लेके आपको क्या चाहिए होगा, आप अपना कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने वाले हो, क्या क्या चीज आपको चाहिए होगा, क्या क्या मटेरियल आपको चाहिए होगा, एकदम फर्स्ट स्टेप से मेरे को बताओ। सर हाँ बताओ, स्टील हो गया और ये हो गई सीमेंट हो गई और ग्रिट देखो हो आप गई जैसे ही अपने घर के लिए कोई प्रोजेक्ट को स्टार्ट करोगे, सीधा एक्सकर्शन होता है बड़ा सीधा आप सीमेंट के गलत बारे में नहीं सोचना स्टार्ट करोगे सीधा। हाँ, गलत तो एकदम बेसिक से बेसिक चीज सोचो ना, कि ये बिल्डिंग का जो आपका सबसे पहले जो साइट है, साइट में सबसे पहले क्या बनने जाएगा, क्या क्लीनिंग होगी चीज, साइट साइट क्लीनिंग होगी साइट क्लीनिंग होगी, मतलब फाउंडेशन का ही वर्क बता रहे हो आप, फाउंड हाँ सर फाउंडेशन का वर्क होगा सबसे पहले, है ना, तो वहां से आपका जो कॉस्ट निकलना स्टार्ट होगा कि फाउंडेशन का काम है हुआ है, तो फाउंडेशन के अंदर क्या होगा, एक्सकेवेशन होगा, ठीक एक्सक्यूशन होगा पहले है। अब और इसके अंदर और क्या क्या आइटम्स ऐड होंगे फाउंडेशन के बाद, और आप अपने अकॉर्डिंग जो जो आपको याद आ फुटिंग रहा है। होती है सर, ब्रिक हाँ, वर्क फुटिंग होती है सर, फिर फुटिंग ब्रिक वर्क का होगी, काम होता है, ब्रिक वेरी वर्क का गुड, होता है सर, ब्रिक वर्क लिंथ का काम लेवल होगा, होता है, लिंथ लेवल हो लिंथ जाएगा, वेरी लेवल, गुड वेरी गुड। और फिर सुपर स्ट्रक्चर होता है सर, फिर उसके बाद प्लास्टिंग और साथ बाद में होती है सर। सुपर स्ट्रक्चर, सब स्ट्रक्चर क्लियर है को क्या चीज है, ठीक है। वैसे तो ये चीजें मैंने लिखी भी है, जो चीजें मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ ये आगे मैंने सेकंड पेज पे ये सारी नोट डाउन भी की है, आप उसमें भी देख सकते हो, पर मैं ये देख रहा हूँ कि आपके माइंड में अभी क्या विजुअलाइजेशन है इसको लेके, कि क्या क्या चीजें आप सोच पा रहे हो कि इस बिल्डिंग की एक कॉस्ट निकालने के लिए हमको क्या क्या पता होना चाहिए, और बताओ और क्या क्या चीज ऐड होगी बिल्डिंग के अंदर। अभी भी बहुत सारी चीजें आपने जितनी बताई है वो 20% भी नहीं हुई अभी, और बताओ। चलो ठीक है, अब मान लो जितने जितने भी आइटम्स हैं, तो आइटम्स को कैलकुलेट करने का, हर आइटम को कैलकुलेट करने का एक तरीका होता है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि मेरे को ऐसे 10 मोबाइल चाहिए, ठीक है, इसका मेरे को ऑर्डर देना है कि ऐसे मेरे को ऐसे 10 मोबाइल चाहिए, ठीक है, तो मैं क्या कहूँगा, मेरे को इतने क्यूबिक मीटर मोबाइल चाहिए या इतने क्वांटिटी मीटर, नंबर बताओ, आइटम नंबर हाँ नंबर ऑफ नंबर ऑफ आइटम्स बताऊंगा मैं, वेरी गुड, ठीक नंबर है। अब यही मेरे को अगर सीमेंट चाहिए तो किलो में नंबर या ऑफ फिर बैग, कट्टे में, बैग्स, ठीक है, अगर अगर कट्टे में है तो नंबर हाँ बैग्स, या तो नंबर ऑफ बैग्स बताऊंगा, बैग्स, या कई जगह मेरे को वॉल्यूम बताना होता है, ठीक है। और यस आपका जो प्लॉट होता है वो किसके अंदर होता है, प्लॉट, जैसे मैंने 100 स्क्वायर फीट बोला तो 100 स्क्वायर फीट क्या हो गया, एरिया हो गया, एरिया हो गया, कई चीजों का मेजरमेंट एरिया के अंदर होगा, और कई जैसे मैंने मान लो कोई लंबी सी रॉड ले ली, ठीक है, तो उसका मेजरमेंट कैसे होगा, लेंथ लेंथ है, रनिंग मीटर के अंदर होगा उसका मेजरमेंट, ठीक लेंथ है। उसके अलावा मान लो अब हाँ कि स्टील रेन्फोर्समेंट है, या फिर आपका मान लो मेटल का कोई भी चीज है, कोई खिड़की में कोई मेटल लगा हुआ है, डोर में कोई मेटल लगा हुआ है, कहीं पे भी कोई भी मेटल है, तो मेटल का जो कैलकुलेशन है वो किसमें होगा, कि कितने केजी मेटल आपने परचेस किया है, तो केजी के अंदर। तो यही वाली जो मैंने सारी बातें कही है, 4-5 मिनट की बात कही है, 4-5 मिनट चलेगी, उसके अलावा कुछ नहीं चलेगा। अब ये चीज जो मैंने अभी जो बताई है वो आपको मैं रिटर्न में भी ये चीज बता देता हूँ, कि देखो मेथड ऑफ मेजरमेंट, ठीक है, और इसकी यूनिट्स क्या क्या होगी, वॉल्यूम, लेंथ, विड्थ और हाइट, उन तीनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, तो ये क्यूबिक मीटर के अंदर मेरा कैलकुलेशन निकल जाएगा। एरिया जो है वो मेरा या तो लेंथ को मल्टीप्लाई करूंगा हाइट से या करूंगा विड्थ से, देन स्क्वायर मीटर के अंदर यूनिट्स हो जाएगी इसकी, ठीक है। क्वांटिटी, जैसे नंबर ऑफ पीसेस मैंने बताया, कुछ भी नंबर ऑफ पीसेस है तो वो कितने पीसेस आपको काउंट करना होगा। रनिंग मीटर का मैंने जैसे एग्जांपल दिया तो वो मीटर के अंदर हो गया, और एक मास बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है, मास इक्वल्स टू होता है वॉल्यूम मल्टीप्लाई डेंसिटी, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, फॉर ऑल मेटल्स, मेटल्स की जो सारी कैलकुलेशन है, जो भी कुछ भी मेटल आपका साइट पे आ रहा होता है, स्टील एनफोर्समेंट का है, चाहे कॉपर है, चाहे ब्रास है, चाहे एल्यूमिनियम है, वो सब केजी के अंदर वेट होगा, और उस हिसाब से आपको उसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि ये कितना आया, ठीक है।
एकदम अभी जो है इस चीज को आज जितना बताऊंगा ना आज आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि आने वाले 20-25 दिन में क्या होने वाला है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं जो मैंने कहा था कि आइटम्स एक बिल्डिंग के अंदर कौन कौन से आइटम्स हो सकते हैं आने वाले दिन में। एक 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 आइटम लेके फाउंडेशन से अपन स्टार्ट करके हर आइटम की धीरे 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 कॉस्ट निकालेंगे। ठीक है, तो वो आइटम्स कितने हो सकते हैं एक बार मैं उसको समराइज कर देता हूँ क्या 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 आइटम हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले एस्टिमेशन आइटम्स में फाउंडेशन की अगर मैं बात करूँ तो फाउंडेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा टर्म है। ठीक है, फाउंडेशन अंदर कहाँ कहाँ आपका पैसा लगने वाला है। ठीक है, सबसे पहले जो साइट है, साइट पे आपको पता है क्या हालत होती है, साइट स्टार्टिंग में तो होती है कुछ भी हो सकता है, वहाँ पे कचरा पड़ा है, सीवेज पड़ा है ना, कई बार पेड़ वगैरह लगे हुए हैं उनकी भी कटिंग करवानी होती है, ट्रीज वगैरह है। ठीक है, तो सबसे पहले साइट क्लियरेंस का वर्क होगा। अभी मैं टॉपिक के ज्यादा डेप्थ के अंदर नहीं जाऊंगा, अभी मैं आपको सिर्फ आज ये क्लियर कर रहा हूँ कि आने वाले जो क्लासेस हैं उसके अंदर क्या क्या होने क्या क्या वाला है, डिस्कशन किस किस चीज के अपन डेट निकाल रहे हैं, लगभग वो आइडिया है। ठीक है, कॉपी में आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये सब मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, 40 मिनट की अपनी क्लास होती है तो सिर्फ अपन वही चीज डिस्कस कर सकते हैं, जो आपको अभी माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो वो आप डिस्कस करो, वो सबसे बेटर रहेगा। ये सब जो भी है रिटर्न जो भी है वो सब आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो फाउंडेशन के अंदर साइट क्लियरेंस सबको समझ में आ गया क्या चीज है, एक्सकेवेशन। ठीक है, पहले एक्सकेवेशन का वर्क होगा, एक्सकेवेशन वर्क होने के बाद पहले सैंड फिलिंग होगी। ठीक है, सैंड फिलिंग क्यों होती है ये जैसे जैसे अपने क्लासेस आगे बढ़ेगी मैं बताऊंगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो कोर्स है सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें आपके अंदर क्वेश्चन उठेंगे कि सैंड फिलिंग क्यों करनी है, पीसीसी से मेरे को करना है तो वो क्यों करना है। ठीक है, उसके बाद जो पोस्टिंग निकलेगी, ट्रेपेजॉइडल फुटिंग, फुटिंग कंक्रीट फ्रेमवर्क की क्या हो जाएगी, पेडेस्टल कॉलम क्या हो जाएगा, बैक फिलिंग क्या हो जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैंने क्यों लिखा है, अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर अलग अलग डिपेंड करता है कि किसमें क्या क्या चीज है, किस तरह का फाउंडेशन है, क्या चीज है, किसी में मैट भी हो सकता है, किसी में जैसे राफ्ट फाउंडेशन भी हो सकता है, किसी में कुछ अलग फाउंडेशन भी हो सकता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक्सेट्रा लिख दिया। ठीक है, उसके बाद फाउंडेशन के बाद जो अपना स्ट्रक्चर जहां से स्टार्ट होता है उसके बीच में जो एक एरिया आता है उसको बोलते हैं सब स्ट्रक्चर। ठीक है, आप जहां पे खड़े होते हो वहां से लेके फाउंडेशन के बीच वाला जो एरिया होता है वो होता है सब स्ट्रक्चर। सबसे नीचे आएगा फाउंडेशन, देन सब स्ट्रक्चर, देन सुपर स्ट्रक्चर। तो सब स्ट्रक्चर के अंदर अपना क्या क्या कंटेंट आ जाएगा, प्लिंथ फिलिंग। ठीक है, और सारी जो भी स्ट्रक्चर की कैलकुलेशन है, ग्राउंड फ्लोर बीम के लिए, ठीक है, फ्लोर पीसीसी के लिए, और इससे रिलेटेड जो भी टर्म्स बनेगी वो जैसे जैसे अपने इसका एस्टिमेशन करते जाएंगे आप समझते जाओगे कि किस किस तरह से उनको कैलकुलेट करना है अपने को। उसके बाद सुपर स्ट्रक्चर की मैं बात करूँ तो इसके अंदर भी वही ग्राउंड फ्लोर हो जाएगा, कॉलम के अंदर जो कॉन्क्रीट शटरिंग वो सब हो जाएगा, बीम्स जो है वो मेरी कम से एक लिंटल टाइप की बीम भी होती है, एक रूफ वाली बीम भी होती है। ठीक है, थोड़ा बहुत आप जो है आज वाली जो पीडीएफ है इसमें जो भी टर्म्स लिखी हुई है, इसमें जो भी टर्म्स आपको नहीं समझ में आई है या तो आप डिस्कस कर लेना, या आपके पास जो भी अपना इंजीनियरिंग से रिलेटेड या डिप्लोमा से रिलेटेड जो मटेरियल है उनको थोड़ा पढ़ लेना, नेट वेट पे थोड़ा सर्च कर लेना, और वरना कोई दिक्कत आए तो फिर क्लास के अंदर पूछ लेना। ठीक है, ब्रिक्स का हो गया, स्लैब का कंक्रीट हो गया, छज्जे के अंदर जो कंक्रीट लगने वाला शटरिंग हो गया, उसके अलावा जो स्टेयर केस हो गया सुपर स्ट्रक्चर के अंदर, स्टेयर केस वाला पार्ट भी सुपर स्ट्रक्चर के अंदर ही आएगा। ठीक है, वो सारा वर्क होने के बाद उसके बाद आपका जो है आगे जो है वो कहाँ लगने वाला है, आपका जो खर्चा है आगे फिनिशिंग एंड फ्लोरिंग के अंदर लगने वाला है। ठीक है, फिनिशिंग एंड फ्लोरिंग क्या हो जाएगा, जैसे वॉल्स के ऊपर जो अपने को प्लास्टर 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 करना है। ठीक है, प्लास्टर करने के बाद आप ऊपर टाइल्स लगाओ, चाहे उसमें पेंटिंग लगाओ, अब टाइल्स भी हो सकता है एक रूम में अलग तरह की हो, दूसरे रूम में अलग तरह की हो, तो उसके अकॉर्डिंग भी उसका अलग अलग निकलेगा, इसलिए मैं हर पॉइंट के बाद एक्सेट्रा लिखता हूँ कि और क्वांटिटीज भी ऐड हो सकती है इसके अलावा, जैसे एक जगह आपका ग्रेनाइट लगा हुआ है, दूसरी जगह आपका कोटा स्टोन लगा हुआ है। ठीक है, और ये तो इसमें लेकर रखा है, इसके अलावा मैं काफी सारे मटेरियल्स आपको बता सकता हूँ, और मटेरियल पे अपन ने वैसे एक अलग क्लास के अंदर बहुत चर्चा कर ली है, वो इसमें अपन नहीं कर सकते हैं वो सारे डिस्कशन, तो मटेरियल कितने टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका डोर एंड विंडोज से रिलेटेड जो भी चार्जेस आएगा आपका वो एस्टिमेशन के अंदर ऐड होगा। ठीक है, वुड वुड भी हो सकता है उसमें, एल्यूमिनियम भी हो सकता है। ठीक है, और भी बहुत सारे मटेरियल जैसे मैंने बताया था, यूपीवीसी, टॉस्टम, ग्लास ग्लास, ग्लास भी आएगा। ग्लास हो सकता है डोर के अंदर आपका ग्लास लगा, ग्लास हो सकता है। ठीक है, स्टील का भी आपका डोर हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आपका स्टेयर केस टावर एंड पैरापेट वॉल, अगर आपका ये वाला यहाँ तक स्टेप 5 तक कंप्लीट हो गया, आपको लग रहा है मेरा या तो फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर बनने वाला है, तब तो सेम कैलकुलेशन चलेगी ऊपर के लिए भी, ऊपर का जो स्ट्रक्चर है उसके लिए सेम कैलकुलेशन चलेगी, अगर वो नहीं चलेगी तो
तो आपने देखा होगा सीढ़ियाँ जहाँ पे छत पे जाके निकलती है वहाँ पे एक दमदमा सा बना होता है ना, मुमटी बोलते हैं हाँ उसको, सर। या फिर स्टेयर के टावर बोलते हैं जहाँ पे, तो उसका आपको पूरा कैलकुलेशन निकालना होगा। और पैरापिट वॉल जो है कि साइड की चलती है, उसके अकॉर्डिंग उसका साइड पूरा, के हाँ वो साइड साइड के अकॉर्डिंग अपने को कितना ब्रिक्स लगेगा, उसमें कितना कुछ लगेगा, वो सब निकालना आएगा। उसके बाद जो आपका रेलिंग से रिलेटेड वर्क है, जैसे रेलिंग आपके ऊपर पैरापिट पे भी लगी हो सकती है, स्टेयर्स वगैरह में भी लगी हो सकती है, या हो सकता है जैसे बाहर वाला जो आपके गेट है वो मेन गेट, वहाँ पे भी स्टील का कुछ वर्क हुआ हो। और उसके अलावा जो रेलिंग कई कई जगह यूज हो सकती है, एलिवेशन में भी बहुत जगह यूज हो सकती है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड जो भी खर्चा आएगा वो इसमें सारा ऐड होएगा। तो बिल्डिंग इन क्लासेस के अंदर जो सारा एक एक अब आइटम को अपन लेंगे, उन सारे आइटम को मैंने एक बार सारा समराइज कर दिया कि अपन किस किस आइटम लेने वाले हैं, ठीक है। जैसे सपोज फाउंडेशन वाली जो क्लास है, तो फाउंडेशन क्लास के अंदर अपने पहले साइट क्लियरेंस के अंदर कितना खर्चा आने वाला है, एक्सकेवेशन के अंदर कितना खर्चा आने वाला है, इस एक एक चीज को पूरा कैलकुलेट करेंगे, उसको सारा एक्सेल के अंदर पूरा इनपुट करेंगे, और साथ साथ जो है रिपोर्ट बनाते जाएंगे उसकी। एक नॉर्मल प्लॉट साइज ले लेंगे, और उसकी जो ड्राइंग्स हैं, जैसे मैंने बताया था आइटम्स को कैलकुलेट करने के लिए मेरे को ड्राइंग्स भी चाहिए, तो वो ड्राइंग ऑटोकैड में बनी हुई ड्राइंग्स हैं, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल अपन ले लेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग अपना एग्जाम्पल लेना चाहो तो आप अपना एक एग्जाम्पल लेके उसका एस्टिमेशन भी निकाल सकते हो, उसको ऑटोकैड में बना लो आप, ठीक है। और उसकी जो भी डिटेलिंग है फुटिंग की, फाउंडेशन की, और जो भी स्ट्रक्चर रिलेटेड डिटेलिंग अपने को सारी चाहिए वो आप बना लो, और फिर उसका अपन पूरा कैलकुलेट करेंगे। और नॉर्मली आप देखोगे तो एस्टिमेशन कॉस्टिंग मोस्टली रिक्वायर्ड होती है जहाँ पे आरसीसी वर्क हो, है ना, जहाँ पे स्टील एनफोर्समेंट का वर्क हो या स्ट्रक्चर अच्छा डिटेलिंग का ज़्यादा वर्क हो, वहाँ पे ही एस्टिमेशन कॉस्टिंग की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो आने वाली क्लासेस में इस एक एक आइटम को अपन लेके और पूरा कैलकुलेट करने वाले हैं, जिसमें आराम से आपका मान के चलो कि 20 से 25 क्लासेस लग जाएगी, उससे ज़्यादा भले लग सकती है, उससे कम नहीं लगेगी, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में मेरे को एक एक टॉपिक पे चर्चा करना होगा। अब ये जितना लिखा हुआ है कि साइट क्लियरेंस है, एक्सकेवेशन है, साइट क्लियरेंस पे भी डिस्कशन करने में शायद एक क्लास लग जाएगा, या साइट क्लियरेंस और एक्सकेवेशन में ही एक क्लास निकल जाएगा अपन, ठीक है। तो ऐसे कर करके अपने को सारे टॉपिक्स को पूरा बिल्डिंग का एक एक पॉइंट कंसिडर करना है। अगर आप गवर्नमेंट से कोई प्रोजेक्ट ले रहे हो तब तो आपको बिल्कुल जो है कैलकुलेटेड क्वांटिटी देनी पड़ेगी, फिर उसको करंट रेट से मल्टीप्लाई करने का, और फिर पूरा बीओक्यू बना के आपको देना होता है, ठीक है। तो ये तो था कि अपन जो है एक्यूरेटली जो निकालेंगे उसके लिए अपन क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करेंगे, ठीक है। अब आपके लिए मैंने एक चीज़ और रेडी की है कि आपको दिमाग में अगर ये आए कि मेरे को तो एक रफ आइडिया मिल जाए, क्योंकि क्लाइंट कई बार एकदम डायरेक्टली पूछना चाह रहा है, ठीक है, कि मेरा कितना खर्चा लगेगा, मैं कितना अनुमान लेके चलूँ, या फिर मैं कितना अभी करवाऊँ काम, कितना बाद में करवाऊँ, ठीक है। तो उसके लिए जो है मैंने एक तरीका आपको इसमें लिख दिया है, ठीक है। अगर मान लो किसी प्लॉट का साइज है 100 स्क्वायर फिट, सॉरी 1000 स्क्वायर फिट, जैसे कि एग्जांपल के अंदर लिखा हुआ है 1000 स्क्वायर फिट प्लॉट का साइज है, इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है कि 1000 स्क्वायर फिट कैसे, लंबाई और चौड़ाई को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो ये जैसे कोई भी मान लो, जैसे मान लो मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, कोई प्लॉट है 30 बाय 60 का, ठीक है, 30 बाय 60 का, तो 30 और 60 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या आ जाएगा, 1800 फिट स्क्वायर, हाँ फिट स्क्वायर बोल दो या फिट स्क्वायर फिट बोल दो, ठीक है। तो किसी प्लॉट का साइज है वो 1000 स्क्वायर फिट है, 1000 मैंने इसलिए लिया है ताकि एक बार कैलकुलेशन थोड़ी इजी रहे और आपको समझने में थोड़ी सी आसानी रहे, ठीक है। तो उसकी अप्रोक्स कॉस्ट जो है वो क्या जाएगी, अगर मान लो एकदम अपन जो है सिंपल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, है ना, एकदम सिंपल अगर आप कंस्ट्रक्शन को कर रहे हो, एकदम मीडियम कंस्ट्रक्शन आप कर रहे हो, ठीक है। तो देखो नीचे मैंने दो तरह की कॉस्ट लिख रखी है, ठीक है। एक तो लिख रखा है मैंने कि एवरेज कॉस्ट जिसकी जाएगी 1200 से लेके 1500 पर स्क्वायर फिट, ठीक है। और लग्जरी कॉस्ट जो जाएगी, आप चाह रहे हो कि सारे मटेरियल्स उसमें लग्जरी हो, जो भी चीज़ आप यूज़ करो वो लग्जरी हो, डोर्स विंडोज हो, उसमें आपका सीलिंग का वर्क भी हो सकता है, ठीक है। और उसके अंदर जैसे और लग्जरी हाउसेस में क्या क्या होगा आपको शायद बताने की जरूरत नहीं है, इस चीज के लिए अपन और भी अगर क्लासेस में इसका डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। तो एकदम मिनिमम एक जो रेट है आप उसको एक मिनिमम एक आइडिया दे सकते हो, उसको 1200 से मल्टीप्लाई कर लो, और आपको लग रहा है कि नहीं 1200 तो इस लोकेलिटी के हिसाब से जो रेट है वो थोड़ा ठीक नहीं है, यहाँ पे 1300 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, या यहाँ पे जो है ये अलग अलग लोकेशंस पे भी डिपेंड करता है कि किस तरह की रेट्स वहाँ पे चल रही है ना। तो आपको लग रहा है कि यार ये वाला एरिया जो है ये थोड़ा सा, मैं इधर मेट्रो सिटी की बात कर रहा हूँ या फिर मैं अलग जगह की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग आप इसको डिसाइड करो कि 1200 से मल्टीप्लाई करना है, 1300 से करना है, 1400 से करना है, 1500 से करना है, ठीक
ठीक है, या 1250 से करना है, 1350 से करना है, ठीक है। तो ये एक एवरेज कॉस्ट है, तो 1000 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1200 पर स्क्वायर फीट से, तो ये 12 लाख का एक इसने रफ आइडिया दे दिया कि भाई इसमें लगभग आपको मिनिमम 12 लाख लगेगा, उससे ज्यादा बजट लग सकता है, मिनिमम 12 लाख तो लगेगा ही, ठीक है। अब क्लाइंट ये बोल रहे कि भाई 12 लाख का जो काम, हाँ पूछो पूछो सर, जैसे अभी 1200 अमाउंट है तो अभी कितने फ्लोर के लिए, लाइक अपना 1000 फुट स्क्वायर फुट का ओनली फ्लोर ओनली कितना ओनली फुट? ओनली ग्राउंड फ्लोर के लिए, अभी ओनली एक फ्लोर के लिए। अगर आपने एक फ्लोर और उसमें किया तो उसकी क्या हो जाएगा, देन डबल हो गया। मल्टीप्लाई किससे करते हैं, नंबर ऑफ आइटम से, तो क्वांटिटी आपकी हो जाएगी दो, हाँ है ना, दो 1200 मल्टीप्लाई दो हो जाएगा। अगर आपका एक फ्लोर है उसके लिए रेट है 1200 पर स्क्वायर फीट, जो रेट है वो आपका एक फ्लोर के लिए हो गया, ठीक है, क्योंकि एरिया जो है मान लो 30x60 का, वो एक के लिए, ऊपर तो 30x60 और हो गया ना एरिया, या 1000 स्क्वायर फीट का, सॉरी एग्जांपल है अपना 1000 फीट स्क्वायर का एग्जांपल है, तो ग्राउंड फ्लोर पे 1000 फीट स्क्वायर हुआ, ऊपर वाले को भी ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा, 2000 फीट स्क्वायर हो जाएगा, तो टोटल ठीक है। उससे ऊपर और सेकंड फ्लोर को भी ले लेता हूँ तो 3000 फीट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ठीक है, इस तरह से। तो उसको आपने इससे मल्टीप्लाई किया तो आपने एक रेट निकाल दिया कि 12 लाख का रेट आ रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि भाई अब मान लो क्लाइंट के पास अभी जो है 12 लाख नहीं है, 8 लाख ही है, ठीक है, तो वो कितना काम कराए और कितना नहीं करवाए, ठीक है, उसका आइडिया आपको लगेगा यहाँ से, ठीक है। अब ये मैंने एक रफ आपको आइडिया दे दिया है, ये बहुत ही बेटर चीज है, इससे आपको लगभग लगभग काफी आसपास आप कैलकुलेशन के पहुंच जाते हो, इससे कि लेबर कॉस्ट जो मेरी आती है वो लगभग आती है 25%, यानी कि टोटल आपका तो 12 लाख निकल रहा है, ठीक है, उसका 25%, यानी कि 3 लाख लगभग आपकी लेबर कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। ब्रिक का जो खर्चा आएगा वो 12% आएगा, तो ये चीज आ गई। सीमेंट का जो है 13%, तो 1,56,000 के आसपास आ गया। डोर एंड विंडोज का आपका जो है 1,44,000 आ गया। स्टील एनफोर्समेंट का आपका 1,20,000 आ गया। हैंड एग्रीगेट का ये आ गया। इस तरह से इलेक्ट्रिकल वर्क का आ गया, वाटर एंड सीवरेज वर्क का आ गया, और एक्स्ट्रा अपने 3% मान के चलते हैं, ठीक है। अब आपको अगर आपका बजट इतना नहीं है तो इसमें से अब सोचो आप कौन सी चीज को कम कर सकते हो। आप ऐसा कर सकते हो कि सुपरस्ट्रक्चर तो आपका एक साथ ही बनेगा, ठीक है। अब आप अगर आपको लग रहा है क्लाइंट के पास अभी बजट कम है तो आप कह दो कि आप इलेक्ट्रिकल वर्क को रोक लो, तो सीधा उसका 96,000 यानी कि 1 लाख के आसपास एक बार कॉस्ट कम हो जाएगा। ये आप नेक्स्ट सेकंड स्टेप में कर लेना ये काम, ठीक है, उसका अगर उतना बजट नहीं है। वाटर एंड सीवरेज का वर्क एक बार रोक लो, ये भी देखो 144 यानी कि 1.5 लाख के आसपास ये वाला काम जा रहा है आपका, ठीक है। अगर मैं इन दो वर्क्स को भी रोक लेता हूँ एक बार, इलेक्ट्रिकल वाला वर्क मैं रोक लेता हूँ, वाटर एंड सीवरेज वाला वर्क एक बार मैं रोक लेता हूँ, ठीक है, तो एक बार आपका 2.5 लाख का कॉस्ट कम हो गया एक बार, ठीक है, यानी कि 10 लाख के आसपास का काम अभी आप करवा सकते हो। कोई क्वेश्चन आ रहा है आपका प्रिया, बताओ। जैसे ज्यादा बेटरी ये नहीं रहेगा सर, लाइक इलेक्ट्रिसिटी का अगर हम रोक देते, सीवरेज का रोक देते, इलेक्ट्रिसिटी का चलो मान लिया कि हल्का सा कुछ अरेंजमेंट हो गया, वाटर एंड सीवरेज तो थोड़ी सी ज्यादा रिक्वायरमेंट बिल्कुल वाली चीज हो बिल्कुल जाती है, बिल्कुल 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 बिल्कुल, कुछ जो वर्क है इससे वो बेटर तो ये कुछ वर्क तो ऐसा है जो कंस्ट्रक्शन के साथ साथ ही करना ही पड़ेगा आपको। सीवरेज से रिलेटेड और इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स छोड़ने हैं या कहीं पे कोई स्लॉट छोड़ना है, वो सब आपको साथ साथ करना ही पड़ेगा, ठीक है। और उसके अलावा जैसे डोर विंडोज एक सबसे कॉमन है, डोर विंडोज को आप रोक सकते हो, ठीक है, एक अलग अलग और सर हाँ एक जैसे ये अपन प्लास्टरिंग करते हैं तो काफी जगह ऐसा होता है कि प्लास्टर आपने स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, प्लास्टरिंग थोड़ा बाद में कर लेते हैं अगर बिल्कुल ज्यादा ही कम बजट है, तो ये ज्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो चीज बाद में कर सकते हो, ठीक है। प्लास्टरिंग का वर्क है, ठीक है, टाइलिंग का वर्क हो गया, और हाँ पेंट का जो वर्क हो गया, फ्लोरिंग, हाँ फ्लोरिंग वाला भी, एलिवेशन पे जो आप खर्चा करने वाले हो, एलिवेशन जो मटेरियल लगा रहे हो, हाँ ठीक है, या इंटीरियर का कोई ऐसा जैसे हो गया कि भाई किचन वगैरह में जो करने वाले हो, तो उन सब के लिए ये सब जो मैंने लिखा है, जो 9 आइटम्स है, ये वो वाली चीजें हैं जो एकदम जो मेन मेन जरूरी है, ये सब चीजें मोस्टली जो है एक साथ चलने वाली चीजें हैं, ठीक है। फिर भी आप थोड़ा सा जो है कॉन्ट्रेक्टर से डिस्कशन करके और किस चीज को कैसे बैलेंस किया जा सकता है, हो सकता है आप ये काम अगर मान लो 3 महीने के अंदर हो तब तक आप नेक्स्ट पेमेंट आपका अरेंज हो जाए तो फिर काम कंटिन्यू हो सकता है, पर आपको लगभग लगभग आइडिया लग जाएगा कि जैसे ब्रिक कॉस्ट में आपका कितना परसेंट लगने वाला है, इसमें कितना परसेंट लगने वाला है, ये सिर्फ एक रफ आइडिया है अपना। तो एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का जो कोर्स है उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, अपना ये जो कोर्स है
इसका उससे रफ एस्टिमेशन से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ आपको कि साइट पे कहीं पे भी मान लो कोई आपको पूछ ले एक रफ आइडिया जो है, ठीक है, तो आप डायरेक्टली जो है अच्छा इतना है तो मेरा लगभग मिनिमम जो है 1200 फीट स्क्वायर रेट तो आएगा ही आएगा, या 1300 फीट स्क्वायर उस लोकेशन को समझ के आपको देना पड़ेगा, तो आपको एक बार मल्टीपल करके उनको बता सको कि हाँ 15 लाख का तो प्रोजेक्ट जाएगा, 18 लाख का प्रोजेक्ट जाएगा, 20 लाख का प्रोजेक्ट जाएगा, उनको एक रफ आइडिया दे सको, क्योंकि उनको कई बार जो है लोन भी लेना होता है, कोई और चीज करनी होती है, तो यस अगर थोड़ा फायदे दे, और जहाँ बैंक्स वगैरह तो आजकल जो है नेसेसरी हो गया, आपको इंजीनियर से जो है वो सारा जो है एस्टिमेशन निकाल के लाना ही होता है, तो उस पर्पज से भी अपने को एस्टिमेशन जो है चाहिए होता है, ठीक है, ओनली गवर्नमेंट टेंडर्स के लिए भी नहीं, बैंक वगैरह से लोन लेना है तो भी आपको एस्टिमेशन निकाल के देना होता है, ठीक है। तो ये मेरा जो था फर्स्ट क्लास का सारा, ठीक है, ये जो भी कंटेंट है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, अब इसके अलावा जो भी कोई भी क्वेश्चन बचा है वो मतलब मेरे से डिस्कस कर लो। बिल्डिंग एस्टिमेशन कॉस्टिंग से रिलेटेड आज जो भी डिस्कशन हुआ है मैं आपको एक बार यहाँ से जो है पीडीएफ एक बार दिखा देता हूँ, यहाँ से अपने स्टार्ट किया था, ठीक है, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का सबसे जो है बेसिक फॉर्मूला कि जो भी आपके आइटम्स हैं, ठीक है, जो आपको ड्राइंग से देखने पड़ेंगे सारे आइटम्स कितनी उनकी क्वांटिटी है, उसको करंट रेट से जो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आपका बिल ऑफ क्वांटिटी आ जाएगा, जो कि आपका फाइनल टारगेट है किसी भी प्रोजेक्ट का बीओक्यू बनाना, ठीक है, और मेजरमेंट शीट भी अपने इसके अंदर बनाएंगे, मेजरमेंट शीट जो एक्सेल के अंदर बनाएंगे, एक्सेल के अंदर बनाने से जो आपका काम कैसे आसान हो जाता है वो जैसे जैसे क्लासेस जो है नेक्स्ट वाली आएगी तो आपको पता चलता जाएगा, ठीक है। ये वाली यूनिट्स जो है अपने मेजरमेंट के लिए सारी काम मिलेंगे, और एस्टिमेशन के जो आइटम्स है वो क्या क्या हो सकते हैं एक आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए, या उन चीज़ों को आप थोड़ा सा टेक्निकली पढ़ना स्टार्ट कर दो, एक अप्रोच आपको मिल जाए, इसलिए मैंने आप इंट्रोडक्शन क्लास में साथ उसको समराइज कर दिया कि अपन एक 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 करके कौन कौन सी कॉस्ट को निकालने वाले हैं, फाउंडेशन से स्टार्ट करके सब स्ट्रक्चर से लेके सुपर स्ट्रक्चर से लेके फ्लोर फिनिशिंग डोर एंड विंडोज और स्टेयर केस टावर पैरापेट वॉल और उसके बाद रेलिंग का जो आपका खर्चा है वो सारा, ठीक है। रफ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, इसका इस कोर्स से वैसे फिलहाल कोई कनेक्शन नहीं है, बस ये मेरे को आपको एक आइडिया देना था कि आपको एक क्लाइंट कई बार एकदम एक देखते ना कि भाई हाँ इंजीनियर ने क्या बताया, क्या प्रेजेंस ऑफ माइंड है उसका एट द टाइम, उसने क्या आइडिया दिया है, तो आप फटाफट ये वाली कैलकुलेशन जल्दी से दिमाग में कर सकते हो कि भाई लेबर जो है उसका क्या है, उसका तो 25% जो है उसमें चला जाएगा, ठीक है, ब्रिक का है, अब ये जैसे मान लो ऐसा भी हो सकता है कहीं तक ब्रिक का 13% हो जाए, सीमेंट का 12% हो जाए, ठीक है, मैंने एक आइडिया दिया है, ठीक है, आप इनको जो है कोई स्टैंडर्ड कोई गवर्नमेंट का कोई आईएस कोड स्टैंडर्ड कोड मत समझ लेना, ठीक है, ये मैंने बस एक रफ आइडिया दिया, इसलिए मैंने जो हेडिंग भी इसमें लिखी है रफ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, ठीक है, इसमें कुछ भी जो है वो एकदम फिक्स नहीं रहने वाला, कुछ भी हो सकता है, 12 लिखा है तो 12.5 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, और कहीं के कुछ ज्यादा लग्जरी डोर्स है तो 15 तक भी जा सकता है, ठीक है, बट लमसम जो है ये सब रहता है इसके अंदर, ठीक है, इसको आपको फिलहाल कोई काम में नहीं लेना है, क्योंकि अपन एक एक आइटम को लेके उसका पूरा कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट क्लास से, ठीक है। तो ये आज वाली क्लास से रिलेटेड जो है सारा था, और कल से अपन जो जो काम करते जाएंगे साथ में उसको एक्सेल के अंदर भी इनपुट करते जाएंगे, ठीक है, उसके अलावा कोई भी क्वेश्चन जो है वो आप मेरे को अभी दिमाग में आए तो अभी ठीक है, वरना बाद में आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, ठीक है, करें क्लास को ओवर। हाँ सर। चलो।